स्कूल में मच गया शोर, देखो रे देखो आया माखन चोर, गोकुल में मच गया शोर, देखो रे देखो आया माखन चोर, दूध दही माखन सबका चुराने, दूध दही माखन सबका चुराने, टोली लेके आया नंदलाला 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 नंदलाला, गोकुल में मच गया शोर, देखो रे देखो आया माखन चोर। मैं क्या कह रहा हूँ, लगता है मैंने कुछ अधिक माखन खा लिया है, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे हंसो मत, हंसोगे तो हम सब नीचे गिर जाएंगे और पकड़े जाएंगे। चलो पकड़े नहीं जाना है तो सबको शीघ्र भागना होगा दाऊ, शीघ्र चलो शीघ्र चलो। लगता है कल से माखन कम खाना पड़ेगा। ये तो यशोदा रानी का गाना है। समय पर भाग गए अन्यथा पकड़े जाते। कान्हा, क्रोधित, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। रुको, मुख देखा है अपना, पूरे मुख पे माखन लगा के आया है। कहां से खा के आया है माखन? अच्छा, यदि तूने माखन नहीं खाया तो तेरे मुख पे इतना सारा माखन किसने लगाया? कान्हा, इस बार तुम फंसे। उत्तर दे, किसने लगाया? मैंने कब किया? दाऊ स्वीकार लो, नहीं तो आप ही फंसोगे। बलराम, मैया यह हमेशा मुझसे कहता रहता है, मुझे माखन खाना है, मुझे माखन खाना है, दाऊ मुझे माखन खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, हमेशा मुझे यही कहता रहता है। ठीक है ठीक है, बलराम कान्हा के स्वच्छ वस्त्र निकालो, मैं भी आती। जी मैया। जाओ। यशोदा, क्या हुआ, किसी गहन विचार में खोई हुई हो? नहीं जी, कुछ भी तो नहीं। कोई बात तो अवश्य है, बताओ। मेरे कान्हा को किसी की कुदृष्टि ना लगे, उसके लिए मैं ना जाने क्या कुछ करती हूँ, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि
अवश्य उसे किसी की कुदृष्टि लग गई है। किंतु तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए ना जीजी, आजकल कान्हा कुछ अधिक ही माखन खाने लगा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका थोड़ा सा पेट भी निकल आया है। जीजी मैं ठिठोली नहीं कर रही हूँ। यशोदा, यदि ये बात तुमसे कोई और कहता ना तो तुम उससे लड़ पड़ती। बात तो आपने बिल्कुल सही कही जीजी, परंतु कभी कभी लगता है कि कान्हा बच्चा ही तो है, थोड़ा अधिक ही माखन खा रहा है, कहीं उसे पेट में कष्ट हो गया तो। यशोदा, हम लोग जितना देते हैं उतना ही खाता है, और वैसे भी हमारा कान्हा कितना छोटा है और छोटा सा उसका पेट। कितना छोटा? इतना छोटा। यशोदा रानी, नर्मदा, क्या हुआ, क्या बात है? यशोदा रानी, मेरे घर में पुनः माखन की चोरी हो गई, और अवश्य ये उसी माखन चोर का काम है, और मुझे पता है वो माखन चोर कौन है। कौन है वो माखन चोर? आपका लल्ला कान्हा। ये कैसी बात कर रही हो नर्मदा, तुम मेरे कान्हा को चोर कह रही हो? ये सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने घर में हुए करतूत को। यशोदा रानी, आपने कभी अपने कान्हा पर दृष्टि रखी है? उसके मुख पर सदैव माखन क्यों लगा रहता है? हाँ, अभी भी माखन खा कर आया है, परंतु मुझे तो लगा कि किसी ने खिलाया होगा। कहाँ से खा कर आया है ये तो मुझे नहीं पता। यानी मेरा संदेह बिल्कुल सही है। नहीं नर्मदा, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया। मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगी, इसीलिए साथ में प्रमाण भी लेके आई। कान्हा, खाई से बचो तो कुआं सामने आ जाता है, एक के बाद एक फंसने की संभावना बन ही जाती है। आप परेशान मत होइए दाऊ। कैसे परेशान ना हूँ कान्हा, जहाँ जाते हो कुछ ना कुछ भूल कर ही आते हो। उस दिन कमरबंद, तो आज पायल का घुंघरू, ना जाने अब क्या होगा। ये कान्हा के पायल का घुंघरू है ना? हाँ यशोदा, ये तो कान्हा की पायल के घुंघरू के समान ही लग रहा है। ये तो कान्हा की पायल की घुंघरू जैसा ही। जैसा नहीं, कान्हा के ही पायल का घुंघरू है। इसे रखो, तुम यही रुको, मैं अभी आई। कान्हा, कान्हा, अब कोई ठिठोली नहीं। हाँ, कुछ क्षण के लिए शांत बैठा रहे, मुझे कुछ देखना है। अपनी पायल दिखा। कान्हा, अब तो तुम पकड़े जाओगे। ये तो खंडित नहीं है। कान्हा का घुंघरू तो वहीं गिर गया था, तो फिर यहाँ कैसे आया? कान्हा, दूसरा पैर दिखा। ये देखो नर्मदा, तुम्हारा संदेह अकारण था, मेरे कान्हा की पायल की तो सारे घुंघरू हैं। वाह कान्हा, फिर तुमने अपनी लीला दिखा दी। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये घुंघरू मेरे कान्हा की पायल के घुंघरू के जैसा है, मेरे कान्हा की पायल का नहीं है। कल मुझे भी अचंभा हुआ था जब मैंने हूबहू
कान्हा की कमरबंद जैसे कमरबंद उस भंडार घर में देखा था। मुझे भी यही भ्रम हुआ था नर्मदा, परंतु अब मैं सब कुछ समझ गई। क्या समझ गई? यही कि कोई मेरे कान्हा को फंसाने का प्रयास कर रहा है। कोई ये सिद्ध करना चाहता है कि वो माखन चोर मेरा कान्हा ही है, परंतु वो कितना भी प्रयास कर ले हम उसे सफल नहीं होने देंगे। शायद मैंने गलत अनुमान लगाया था। हाँ यशोदा रानी, यदि ऐसा है तो आपको संभल के रहना होगा, क्योंकि जब तक माखन चोर पकड़ा ना जाए सब कान्हा को ही दोष देंगे। मैं जानती हूँ, इसलिए अब मैं कान्हा पर विशेष ध्यान रखूंगी। इसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। सदा इस पे दृष्टि रखूंगी। हंस क्या रहे हो कान्हा? परिस्थिति और भी विकट हो गई है। अब मैया को लग रहा है कि वो माखन चोर तुम्हें फंसाना चाहता है। अब मैया तुम पर विशेष ध्यान रखेगी, फिर तो तुम्हारे माखन चोर की लीला समाप्त हो जाएगी। ये माखन चोर बड़ा चतुर है दाऊ, कुछ ना कुछ युक्ति निकाल ही लेगा। आप बस देखते जाइए इस माखन चोर की अगली लीला।